हाँ फ्रेंड्स, बढ़ के जिस क्लास में हम लोग मल्टी लेवल लिस्टिंग की बात करने वाले हैं, तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो हमें चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। इस वक्त मैं वर्ड के अंदर हूँ और हमारे सामने एक लिस्ट ओपन है। यहाँ पे मैं बात करूंगा आज मल्टी लेवल लिस्ट की। यहाँ पे आपको ठीक जहां से मैंने बुलेट लिस्ट अप्लाई किया था, नंबर लिस्ट अप्लाई किया था, उसके ठीक बगल में आपको मल्टी लेवल लिस्टिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं मल्टी लेवल लिस्ट की बात करूं तो इसमें आपको बहुत सारे लिस्ट देखने को मिलते हैं जो मल्टी लेवल है, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो हम इससे सबसे पहले इन डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं मल्टी लेवल के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा करंट लिस्ट, जो हमारा जो लिस्ट है उसके फॉर्मेट को वर्ड ने पहले ही भाप लिया है और उसके अकॉर्डिंग हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपका लिस्ट कुछ इस अकॉर्डिंग है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये नहीं अप्लाई करना चाहता, मैं किसी और लिस्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उसे भी अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे लिस्ट लाइब्रेरी है, लिस्ट इन योर करंट डॉक्यूमेंट। अगर हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर और कौन कौन से लिस्ट बना रखे हैं उसका भी हमें यहाँ पे नाम दिख रहा है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, मैं लिस्ट लाइब्रेरी के अंदर मैं आकर, तो यहाँ पे ये देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक अलग लिस्ट क्रिएट हो गया। जैसे कि वन, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टू, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो हमारा जो सब था, जो हमारा सब लिस्ट था, वो क्या बदल गया, 2.1 पॉइंट में बदल गया। साथ में जो दूसरा था वो 2.2 में बदल गया। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारा 2.3 पॉइंट शो कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर टैब प्रेस करूं तो देखिए 2.2.1 यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा है। मैं एंटर प्रेस करूं तो 2.3.3, मैं टैब प्रेस करता हूँ तो 2.2.1। मतलब मैं अगर सब हेडिंग बनाना चाहूं तो मैं इसी तरह से यहाँ पे और भी क्रिएट कर सकता हूँ। साथ में अगर मैं इसे मुझे नहीं, अगर ये मुझे पसंद आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे सिलेक्ट करके इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ लेवल लिस्टिंग में आऊंगा और मैं अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं कोई दूसरा फॉर्मेट दूँ, मैं उसे दूसरा फॉर्मेट भी यहाँ पे दे सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लिस्ट है वो आर्टिकल के फॉर्मेट में हो या फिर हमारे चैप्टर्स के फॉर्मेट में हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर आऊंगा और आपको ये दिख रहा होगा, मैं आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल वन, आर्टिकल टू और जो हमने सब लिस्ट बनाया था उसे हम लोग सेशन में यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें तो और भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मैं चैप्टर्स और हेडिंग्स में भी बदलना चाहूँ तो मैं चैप्टर्स और हेडिंग्स में भी इसे बदल सकता हूँ। तो ये थे हमारे मल्टी लेवल लिस्ट जो मैंने आज आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे समझा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए काफी नॉलेजेबल हुआ होगा, आप आज इस क्लास को काफी एंजॉय किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।